नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, 24 जनवरी का दिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती का दिन होता है और इस दिन राजद कार्यालय में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के तबीयत को लेकर और बात ये भी करने जा रहे हैं कि आखिर उनके इस खराब तबीयत की खबर के बीच राजद कार्यालय में नृत्य का आयोजन कैसे अब सवालों को जन्म दे रहा है। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं बल्कि ये सवाल उनके विरोधी उठा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराए गए हैं। वहीं राजद अध्यक्ष के एम्स में भर्ती होने के खबरों के बीच पार्टी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जो अब विवादों का रूप ले रहा है। विपक्षी पार्टी जदयू और हमने राजद कार्यालय में हुए नृत्य कार्यक्रम पर निशाना साधा है। बिहार में पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी और ऐसे में कई राजनीतिक दलों के द्वारा पार्टी कार्यालय में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजद भी कर्पूरी जयंती का आयोजन कर रहा था। इसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह स्वयं मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में एक नृत्य का आयोजन हुआ जो अब विवादों का रूप ले रहा है। राजद कार्यालय में हुए नृत्य कार्यक्रम पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अटैक किया है। मांझी ने ट्वीट पर लिखा है कि लालू यादव जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके बेटे तेज प्रताप यादव को मंच पर जगह नहीं दी गई। ये राजद का आंतरिक मामला हो सकता है, पर लालू जी जैसे जननेता के बीमार होने के बावजूद उनके पार्टी द्वारा इस तरह का नाच गाने का कार्यक्रम कराना गंदे मानसिकता को दर्शाता है, शर्मनाक। जीतनराम मांझी के साथ ही जनता दल यूनाइटेड भी राजद पर बरसी है और तीखा हमला किया है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने लिखा है कि ये लोग लालू जी के बीमारी के गम में नाच रहे हैं या खुशी में। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर से तो लालू जी को कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो तो लालू जी की राह का रूड़ा बने थे, तो अब लालू जी की पार्टी राजद जयंती क्या खाक मनाएगी। लेकिन जयंती के नाम पर नाच नया ट्रेंड है भाई। तो अब विवाद शुरू हो चुका है। राजद कार्यालय में जो नाच प्रोग्राम का आयोजन हुआ उस पर अब विवाद उठने लगा है और कहा जाने लगा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजद को उनकी चिंता नहीं है, और ये सवाल किया है जीतन राम मांझी ने पूर्व सीएम बिहार। उन्होंने ये भी लिखा है कि लालू जी के बीमार होते ही उनके बेटे तेज प्रताप यादव को मंच पर जगह नहीं दी गई। लेकिन दूसरी ओर जदयू के अजय आलोक ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि ये नया ट्रेंड है क्या किसी की जयंती पर नाच कराना, और दूसरी बात ये कि एक तरफ आपकी पार्टी के कर्ता धर्ता बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं और काफ़ी गंभीर बताए जा रहे हैं, ऐसे में आप नाच कराकर क्या दिखाना चाहते हैं। अब इस पर देखने वाली बात ये होती है कि बिहार की सियासत और कितना गर्म होती है, क्योंकि अभी मामला टला नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पिछले दिन की बात है और इस पर बयान आना भी बाकी है, क्योंकि अब राजद की बारी है और राजद की तरफ से इन दोनों के सवालों का क्या जवाब आता है, कौन जवाब देता है, ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।